अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। कुरान करीम की मुसलसल एक्सपोजिशन के सिलसिला में आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 174 की एक्सपोजिशन करेंगे। तो इस आयत का सिलसिला भी पिछली आयत के साथ जुड़ा हुआ है। पिछली आयत में ये जो 173 नंबर की जो आयत है उसके अंदर मोमिनीन और मुनाफिकीन के मुतालिक बात की गई। जो मुनाफिकीन थे वो मोमिनीन को डरा रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ़ कुरैश मक्का ने बहुत बड़ा लश्कर, बहुत बड़ा जंगी साजो सामान जमा कर लिया है और वो तुमसे जंग करने आ रहे हैं, तुम अपने घरों में बैठ जाओ। वो उनको डरा रहे थे कि मैदान जंग में आओगे तो मारे जाओगे, तो वो उनको डरा रहे थे ये कहकर। तो वहाँ पर कुरान ने सहाबा इकराम के मुतालिक ये गवाही दी कि मुनाफिकीन के वो जो जिन चीज़ों से वो डरा रहे थे उससे बजाय इसके कि मोमिनीन डरते, उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ गया। वो उनकी इस डराने से डरे नहीं, खौफ ज़्यादा नहीं हुए, उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ गया। और मोमिनीन ने मुनाफिकीन से क्या कहा कि तुम हमें ना डराओ, ज़रूरत पड़ी हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, घरों में नहीं बैठेंगे, मैदान जंग में आकर अपनी गर्दनें तक कटा देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह काफ़ी है, यानी हमारे साथ अल्लाह के कानून की तायीद और उसकी नुसरत की कुव्वत हमारे साथ है और अल्लाह ही हमारा बेहतरीन वकील है, यानी हमारे मामलात को संवारने वाला है, कारसाज है, काबिल भरोसा है, हमें उसके अलावा किसी और पर कोई भरोसा नहीं है, हम सिर्फ अपने अल्लाह के उसके कानून के ऊपर भरोसा रखते हैं, वही हमारा वकील है। तो यहाँ पर तो ये बात हुई। इसके बाद फिर अगली जो आयत है 175, उसके अंदर क्या कहा जा रहा है, क्या ये रहा है मोमिनीन के मुतालिक। अब जंग हुई, अब जंग की कोई डिटेल नहीं दे रहा कुरान करीम। अब अंदाज़ा लगाएं, मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि कुरान करीम किसी भी वाक्य की पूरी कड़ियाँ बयान नहीं करता, सिर्फ ज़रूरी कड़ियाँ बयान करता है, उससे नतायज अख़्ज़ करता है और कवानीन और ज़ाब्ते देता है। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको कुरान का अंदाज़े उसलूब समझ आए, क्योंकि ये जो कुरान का अंदाज़े उसलूब है ये लोगों को नहीं बताया गया, बल्कि उल्टा ये कहा गया कि कुरान करीम पूरी तफसील नहीं देता, तो इसलिए फिर रिवायात का मोहताज है। जब तक रिवायात को साथ नहीं मिलाएंगे कुरान करीम समझ नहीं आता। ये साजिश की गई कुरान करीम के ख़िलाफ़ और फिर शान नज़ूल की रिवायात वज़ा की गई उन रिवायात की रूह से जो पर्शियन हिस्टोरियन ने, सीरत निगारनों ने वज़ा की। इस तरह से फिर कुरान के अल्फाज के मीनिंग बदले गए। ये साजिश थी, इसको आप जहन में रखें। इसलिए मैं बार बार अल्फाज कुछ रिपीट हो जाते हैं, ये ज़रूरी हैं ताकि बात समझ आए। तो क्या ये रहा है कि उन मोमिनीन ने उनको जो जवाब दिया वो ये था कि हम नहीं डरेंगे, क्यों कि हमारा मौला, हमारा जो वकील वो अल्लाह है, वही कारसाज है, वही बेहतरीन हमारा मदद करने वाला है, हमें नुसरत देने वाला है, हमें गलबा देने वाला है, हम तो उसी के कानून की सदाकत पर यकीन रखेंगे। तो अब आगे जंग हुई, जंग की कोई तफसील नहीं। अब उस जंग में कुरान करीम बता रहा है कि जो भी उसके बाद वो जो सामान लाओ लश्कर के साथ जमा करके पूरी तैयारी के साथ कुरैश मक्का आए, जंग हुई, जंग हो गई। तो जंग होने के बाद क्या हुआ, वहाँ से बात फिर शुरू कर रहे हैं। देख रहे हैं कुरान का क्या अंदाज़ है बात करने का, नताइज उख़्ज़ करके बता रहा है। अब जो उन्होंने दावा किया था मोमिनीन ने कि हम डरेंगे नहीं, वो जितना मर्जी
लाओ लश्कर के साथ आ जाएं, जितनी ज़्यादा जंगी तैयारी के साथ आ जाएं, जितनी ज़्यादा तादाद में आ जाएं, हम मैदान जंग में आकर लड़ेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, उनकी एग्रेशन का दिफा करेंगे। तो अब कुरान करीम बता रहा है कि वो अपने दावे में सच्चे थे, उन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने पूरा किया, पीछे नहीं हटे वो। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, तो वो बिल्कुल अपने दावे में सच्चे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ही हमारा वकील है, तो बिल्कुल वो सच्चे थे। कुरान करीम इस आयत के अंदर उनकी ये गवाही दे रहा है कि वो अपने कॉल ऑफ फेल में सच्चे थे, उनके कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं था। देख रहे हैं किस तरह जमात सहाबा इकराम की, वो जहाँ पर उसने पीछे तरबियत की, अब उनकी उनकी ईमान की गवाही भी दे रहा है, उनकी सरफरोशी की, उनके उनके कौमी जज्बा की, उनकी यानी सरफरोशी की गवाही भी दे रहा है, उनकी जानसारी को उजागर भी कर रहा है। तो जब जंग हुई तो उसके बाद फिर क्या हुआ, कुरान करीम बता रहा है, कह रहा है कि फन कलबू बिने मतिम मिनल्लाही व फजलिन, फिर वो यानी मोमिनीन अल्लाह की तरफ से नेमत और फजल के साथ लौटे। यानी जंग हुई, जब जंग हुई जो बड़ी तैयारी के साथ आ रहे थे कुरैश मक्का, बड़ा डराया जा रहा था मुनाफिकीन की तरफ से उनको, अब वो जंग हो गई तो जंग का जो एंड हुआ वो क्या हुआ, उसमें मोमिनीन को क्या मिला, वो किस तरह से उस जंग से वापस हुए या लौटे, बता ये रहा है कि फिर वो मोमिनीन अल्लाह की तरफ से नेमत और फजल के साथ लौटे। ये देख ली जंगे उहद से ही बात की जा रही है सारी, जितने भी जाब्ते कवानीन उसूल उसी से ही दिए जा रहे हैं, लेकिन जंगे उहद की कोई डिटेल नहीं दे रहा, उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है उनके अंदर उस जंग में उन्हें शिकस्त भी हुई, उनके लोग बहुत ज़्यादा कत्ल भी हुए, इसके बावजूद वो कह रहा है, कहता है वो तो यूं कह लें कि उन्होंने अपनी अपनी मौत से अपनी कौम को ज़िंदगी दी, वो तो ज़िंदा है, वो इंसानियत की तारीख में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे, जितनी बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, जितनी बड़ी उन्होंने जानसारी के साथ अपनी जानों को कुर्बान किया, सरफरोशाना मैदान जंग में लड़े, तो वो तो ज़िंदा है। ज़िंदा से मुराद ये नहीं फिज़िकली ज़िंदा हैं, अपने कारनामों की वजह से ज़िंदा हैं। तो इन्हीं के मुतल्लिक कहा है ना सहाबा कराम के मुतल्लिक कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए उनको मुर्दा ना कहो, यानी फिज़िकली वो कत्ल हो गए हैं ठीक है, लेकिन वो अपने कारनामों की वजह से क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे, हैं कि नहीं ज़िंदा। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि फिर वो मोमिनीन अल्लाह की तरफ से नेमत और फजल के साथ लौटे, इससे मुराद ये है कि वो ठीक है उनका नुकसान भी हुआ, वक्ती तौर पर वो डगमगाए भी, वक्ती तौर पर वो साबित कदम नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने उनको कुफार के नरगा से उनकी कुव्वत से बचा लिया और उनको माफ़ कर दिया, उनके ऊपर अपना फजल किया, अपनी नेमत की। तो वो ये कह रहा है कि वो अल्लाह के फजल और नेमत के साथ, उसकी नेमत और फजल के साथ वापस लौटे, नाकामों नामुराद नहीं लौटे, जैसा कि हिस्ट्री बता रही है, बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ है, हकाइक के ख़िलाफ़ है। कुरान बता रहा है कि वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ लौटे, हिस्ट्री बता रही है कि वो नाकाम और नामुराद लौटे। देख रहे हैं आप बयानिया में कितना फ़र्क है, कुरान क्या कह रहा है और उसके बरक्स वो रिवायात तारीख सीरत किस कदर जहर उगल रही है उनके ख़िलाफ़, किस कदर गलत बयानी से काम ले रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर वो मोमिनीन अल्लाह की तरफ से नेमत और फजल के साथ लौटे, इसका मतलब ये है कि वो अज़्म व यकीन के साथ ज़िंदगी की जद्दोजहद में आगे बढ़े और कामयाब लौटे।
जिंदगी के जितने भी शोबे हैं वो उनमें आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं, जाने कुर्बान करके भी हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, वो आगे से आगे बढ़ते रहे, अपनी कुव्वत और इस्तेदाद में इजाफा करते रहे और वो कामयाब लौटे, नाकाम नहीं हुए, जैसा कि हिस्ट्री उनके मुतालिक बता रही है वो बिल्कुल गलत है। और आगे उसकी फिर डिटेल दे रहा है, कह ये रहा है कि लम यम सस हुम सू उन, अंदाज़ा लगाए कि उन्हें किसी बुराई व मुसीबत ने नहीं छुआ। ये लम यस यम सस, ये मस करना, छूना, टच करना, कि किसी बुराई ने उन्हें नहीं छुआ। जितनी मर्जी मुश्किलात आईं, मसाइब आए, आजमाइशें आईं, साबित कदम रहे वो, वक्ती तौर पर कुछ थोड़ा सा डगमगा भी गए तो फिर वो साबित कदम हो गए। तो वो तो जो थोड़ा सा अगर कोई हुआ भी बहसियत इंसान, तो अल्लाह का कानून मकाफात तो खुद बता रहा है कि वो छोटी छोटी बातों पर नहीं पकड़ता। उनकी कुर्बानियां, उनकी जानिसारी इतनी बड़ी है कि उसके मुकाबले में जो छोटी सी लग्जिश कुताई, वो भी जो यानी इरादे के साथ नहीं, बिला इरादा, तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं। ओवरऑल वो साबित कदम रहे, डटे रहे, डरे नहीं, झुके नहीं, हिम्मत नहीं हारी। तो इसलिए कोई बुराई, कोई मुसीबत उनको छूकर नहीं गुजरी, इस कदर कामयाब रहे। पीछे बता रहे ना इसी आयत में कि अल्लाह की तरफ से नेमत और फजल के साथ लौटे। जो ग्रो, जो जमात अल्लाह की तरफ से नेमत और फजल के साथ लौटे, उसको अल्लाह की नेमत भी मिली हो, उसका फजल भी मिला हो, उसके मुतल्लिक कहना कि वो नाकाम लौटे और उनके ऊपर चार्जशीट मुरतब करना पर्शियन हिस्टोरियन की झूठी रिवायात की रूह से, तो इससे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपका अंजाम क्या होगा। जो आज लोग जज बनकर उनके ऊपर इतराज़ात कर रहे हैं, चार्जशीट मुरतब कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो देखिए तो सही, मुशाहदा तो करें कि दुनिया में इनका हशर क्या हो रहा है। ये जो उनके ऊपर चार्जशीट मुरतब कर रहे हैं, उस पर्शियन साख्ता रिवायात की रूह से, उस पर्शियन साख्ता हिस्ट्री की रूह से, उस पर्शियन साख्ता तफसीर की रूह से, जो आज जज बने बैठे हैं, उनकी अपनी हालत क्या है। पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा हो रहे हैं और उनके मुतल्लिक बात कर रहे हैं जिनके मुतल्लिक अल्लाह कह रहा है कि वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ लौटे। उनके साथ अल्लाह के कानून की ताईद और कुव्वत थी, अल्लाह की नुसरत उनके शामिल हाल थी। दुनिया के बहुत बड़े रकबे के ऊपर, 64,65,000 मुरब्बा मील के ऊपर उनकी हकूमत और रियासत कायम थी। अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर इक्तदार दिया था। उनकी कुव्वत और गलबा के सामने जो उस वक्त की दो सुपर पावर थी, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर, सरनिगु हो गई थी। उनके मुतालिक आज जो हिस्ट्री की रूह से जो कुछ भी कहा जा रहा है, उनको सोचना चाहिए कि हमारी अपनी हालत क्या है, हमारी हैसियत क्या है कि हम इतनी बड़ी वो जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ हैं, हम उनको उनके ऊपर चार्जशीट लगा रहे हैं, उनके ऊपर चार्ज मुरतब कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछाड़ कर रहे हैं, हमारी अपनी हालत क्या है, कभी सोचे तो सही वो। और इनको जज किसने बनाया है कि जो जिसका दिल आए वो एक मजलिस मुनक्कद करके वो सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ वो तनकीद के निश्तर चलाने लग जाए, उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछाड़ कर दे, इनको किसने इख्तियार दिया है। अगर कुरान की हुकूमत कायम हो जाए, ये जुर्म है सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ बात करना, इसलिए कि एक्चुअली वो सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ बात नहीं है, वो अल्लाह की इन आयात की
इन आयात का इनकार है, इन आयात की मुखालफत है। अल्लाह की जो शहादात गवाहियाँ हैं उनकी जानसारी के मुतालिक, सहाबा इकराम की सरफरोशियों से मुतालिक जो गवाहियाँ हैं उनका इनकार है, और ये जुर्म है। बड़ी ये ऐसा मामला नहीं है कि आप इसको लाइट ले लें, लेकिन ये चीज़ें हिफ्टी की रूह से की गई तो ठीक है, फिर जलील ख्वार भी हो रहे हैं। आगे कह रहे हैं, पहले ये कहा कि उन्हें कोई बुराई मुसीबत छू कर नहीं गुजरी, ओवरऑल उन्हें फतह हुई, कामरानी मिली उनको, वो दुनिया में सुरखरू हुए अपनी कुर्बानियों की वजह से। और आगे कह रहे हैं, वत्तबाऊ रिजवान अल्लाह, एक और गवाही सहाबा इकराम के मुतालिक, क्या ये रहा है कि और उन्होंने अल्लाह की रिजा का इत्तबा किया। ये कुरान के अव्वलीन मुखातिब सहाबा जो अमली तौर पर जिन्होंने ये जंगें लड़ी उन्हीं के मुतालिक बात कर रहा है ना कुरान करीम, उन्हीं को मोमिनीन कह रहा है, उन्हीं के मुतालिक कह रहा है कि उनके साथ अल्लाह की नेमत और फजल था, वो सुरखरू हुए, कामयाबी के साथ लौटे। यहाँ पर ये कह रहा है कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा का इत्तबा किया, अपनी ख्वाहिश नफ़ का इत्तबा नहीं किया। देख रहे किस तरह से गवाहियाँ हैं सहाबा इकराम के मुतालिक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अल्लाह के कानून के साथ हम आहंग होकर उसकी पैरवी की। यहाँ पर रज़ा है, ये है ना रिजवान अल्लाह, तो अल्लाह की खुशनुदी, ये ठीक है हम लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन अल्लाह तो ना खुश होता है ना नाराज़ होता है, वो तो इंसानी जज्बात से पाक है। तो फिर ये अल्लाह की रज़ा क्या चीज़ है, उसके रंग में रंगना, उसके कानून के रंग में रंग जाना, उसके कानून के साथ अपने आप को हम आहंग कर लेना, ये इसके माने होते हैं। सहाबा इकराम ने अल्लाह के कानून के साथ अपने आप को हम आहंग कर लिया था। इस तरह अल्लाह के कानून के साथ अपने आप को हम आहंग करके अल्लाह के कानून की पैरवी की थी। और यहाँ पर इत्तबा है, इत्तबा में क्या चीज़ होती है, अपनी आज़ाद मर्जी से, अपनी खुद मुख्तारी से, अपनी दिल की रजामंदी से किसी के पीछे पीछे चलना। यानी सहाबा इकराम ने किसी के कहने पर या ज़बरदस्ती, वो अल्लाह के कवानीन पर नहीं चले थे। जैसे गाय का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, किसी ने ज़बरदस्ती उसको पीछे नहीं चलाया होता, किसी ने उसको कहा भी नहीं होता, वो अपनी मर्जी से चलता है। ऐसे सहाबा इकराम ने अल्लाह के कवानीन की अपनी मर्जी से इत्तबा की। ये कुरान के अल्फाज हैं, और देखें कि अल्फाज का सिलेक्शन, उसका इंतखाब कितना एजाज का हामिल है, किस कदर एजाज है उसके अंदर। उन्होंने अल्लाह के कवानीन के साथ हम आहंग होकर उसकी पैरवी की, और इसके बाद उन कह रहा है अल्लाह ताला इस आयत के आखिर में कह रहा है कि वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह अजीम फजल वाला है, अल्लाह अजीम फजल वाला है, और इस फजल वाले ने उनको अपने फजल से कामयाबी दी, इस अल्लाह ने अपनी नेमत से उनको नेमत के अपनी नेमतों के साथ सरफराज किया। बड़ी ही काबिल गौर आयत है, हिस्ट्री को कंडम करके रख देती है। जितनी भी ये जो हिस्ट्री जिसके अंदर सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ बड़ी प्लानिंग के साथ मवाद दाखिल किया गया, उसकी एक एक चीज़ को कुरान करीम की ये आयात काट कर रख देती हैं। तो कुरान करीम का असूल सुम्मा तत्फक्करू, इसकी रूह से आप खुद भी सोचा करें, समझा करें, गौर व फिक्र किया करें। शुक्रिया।